नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? एक। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो वो क्या है? अनंत। यानी कि सबसे छोटी तो हम ज्ञात कर सकते हैं पर बड़ी को नहीं बता सकते हैं कि वो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो यानी कि दो परिमेय संख्याएं होती हैं तो उन संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं आप पता है पी क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, पी क्यू के रूप में। अब दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं वो बताना है, तो वो होती है अनंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है तो वो होती है शून्य। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है जीरो से, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, तो पूर्ण संख्याओं की गिनती होती है जीरो से शुरू होती है। और प्राकृतिक संख्याओं की जो गिनती होती है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की, तो वो होती है एक से, एक दो तीन चार पाँच छः। और जो पूर्ण संख्याओं की बात होती है तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है जीरो से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? शून्य। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति कैसी है? वो होती है तार्किक। कैसी होती है? तार्किक। अगला प्रश्न है, दो सहभाज्य संख्याओं का मासा सदैव होता है, तो दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा होता है हमेशा एक। क्या होता है? एक। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है, गणित किसका विज्ञान है? तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भागफल, धन, शेषफल। देखिए ये भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर इस तरह से हम भाग का निशान लगाते हैं, तो यहाँ होता है भाज्य, भाज्य ये होता है भाजक, भाजक और ये होता है भागफल, भागफल। और ये जो नीचे जब घटा के जो शेष रह जाता है वो होता है शेषफल। ठीक है, ये संबंध होता है। तो भाज्य बराबर कितना होगा? भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। यानी कि ये हो गया भाजक भाज्य, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या क्या है? तीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा होती है, तो क्या होती है? बराबर होती है। देखिए समांतर रेखा होती है, एक ये रेखा है और एक समांतर ये रेखा है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी ये दूरी क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगला प्रश्न है, वर्ग के चारों अंतःकोणों का मान होता है, तो वर्ग के चारों अंतःकोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो वर्ग ये होता है वर्ग, इस तरह से वर्ग बनेगा, ये थोड़ा वैसा हो गया है। वर्ग की चारों भुजाएँ क्या होती हैं? बराबर होती है। तो देखिए एक तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का, तो 90 90 90 90, 4 90 हो गए, 9 4 कितने होते हैं? 36। यानी कि 360 डिग्री होता है वर्ग के चारों अंतकोणों का मान। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसमें देखिए पूछा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है वो होती है दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो काटी जा सके वो कितनी होती है? चार। अभाज्य संख्या तो होती है दो और भाज्य संख्या होती है सबसे छोटी चार। एक से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक से लेकर के 100 तक यानी कि 25 जो है अभाज्य संख्याएं हैं, एक से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या को वर्ग करने पर 2 3 7 8 कभी नहीं आता है। अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ये जो अंक है वो इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आएंगे, 2 3 7 8। ठीक है, प्राथमिक संख्याओं में गिनती सिखाने के लिए उपयुक्त होता है, तो प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको गिनती सिखाने के लिए क्या उपयुक्त होता है? तो वो होता है अबेकस, अबेकस का प्रयोग करके बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखा सकते हैं। दस गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दस गीतिका के लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व है, तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा का क्या महत्व है? तो वो है व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है,
यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है? ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है, किसने कहा है? रोजर बेकन ने। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं? तो गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं महावीराचार्य, महावीराचार्य जी ने लिखा है गणित सार संग्रह। 18 के गुणनखंडों की संख्या है, तो 18 के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या क्या है ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए 18 के गुणनखंड हो गए, 18 गुणनखंड, देखिए एक तो ये 18 एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, 3 6 18 होता है, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 3 18 होता है, 7 8 9 से कट जाएगा, 9 2 18 होता है, और 10 से कटेगा नहीं, फिर ये सीधा किससे कटेगा? 18 से, 9 से कट गया फिर सीधा 18 से कटेगा, 18 1 18। तो कितनी हो गई संख्या इनकी? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 18 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 6। ये हो गया आंसर। देखिए 20वां प्रश्न दिया है, 6403 और 3640 में 4 का स्थानीय मानों का योग क्या होगा? तो स्थानीय मान निकालने के लिए जो संख्या जिस स्थान पर होती है वो हम उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। देखिए 4 है तो 4 ये है, ये किस स्थान पर है? यहाँ तो 4 लगा दिए, बाकी 1 2 2 0 लगा दिए, इकाई ढाई सैकड़ा, यानी कि 4 जो है सैकड़े के स्थान पर है। तो एक तो हो गया 4, ये देखिए यहाँ 4 लिख दिया, बाकी जितने अंक आ गए उसके उसके 0 बढ़ा दी, 0 लगा दिए, ये इकाई ढाई यानी कि 40 के स्थान पर, इकाई ढाई। तो 40 400 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, योग इनका 440 हो जाएगा इनका योग। तो 4 के स्थानीय मानों का योग कितना हो गया? 440। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।